दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड रेल इसी साल के आखिर से चलना शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक ये रेल दिसंबर से दुहाई से साहिबाबाद स्टेशन के बीच चलने लगेगी। इसके बाद साल 2025 तक ये 82 किलोमीटर लंबे अपने कॉरिडोर पर पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। इस रेल के शुरुआत में 6 डिब्बे होंगे। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ी या सामान लाने ले जाने की मांग बढ़ी तो डिब्बे भी बढ़ा दिए जाएंगे। हालांकि इस रेल में अधिकतम 9 डिब्बे ही रहेंगे। इस कॉरिडोर पर चलने के लिए गुजरात से 6 डिब्बे की रैपिड रेल तैयार हो रही है। बता दें कि मेरठ शहर की मेट्रो भी इसी पटरी पर चलेगी। जानकारी के मुताबिक मेरठ में मेट्रो 3 डिब्बों वाली चलेगी। इसे लाइट मेट्रो कहा जाएगा। इस ट्रेन के चलने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों की दूरी कम हो जाएगी। और क्या कुछ खास होगा जान लें। बाजार के पार्सल वाले सामान भी जाएंगे, इसलिए उम्मीद है कि 2025 में रेल चलने के कुछ ही महीने या एक साल बाद ही रेल के डिब्बों को बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अध्ययन के अनुसार रैपिड रेल से दिल्ली व मेरठ के बीच पार्सल वाले सामान भी खूब भेजे जाएंगे। ऑनलाइन बाजार वाले सामान भी इससे भेजे जाएंगे। इसके लिए सभी डिपो वाले स्थानों पर वेयर हाउस भी बनाए जाएंगे। सामान की बुकिंग से NCRTC को विशेष लाभ होगा। करोड़ों लोगों के लिए एक तेज, आरामदायक और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन साधन प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अब जान लेते हैं कि क्या है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। RRTS एक नई रेल आधारित प्रणाली है जो दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत जैसे क्षेत्रीय नोड से गति के साथ जोड़ने और वर्तमान यात्रा समय को एक तिहाई कर देगी। IRTCS पारंपरिक रेलवे और मेट्रो से अलग है। ये यात्रियों को तेज रफ्तार और कम स्टॉपेज के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। RRTS के तीनों कॉरिडोर भी इंटर ऑपरेबल बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में जाने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। RRTS स्टेशनों का परिवहन के अन्य साधनों जैसे मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों के साथ एकीकरण भी किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत तीनों ही कॉरिडोर पर रैपिड रेल 50% तक हरित ऊर्जा से दौड़ेगी। हरित ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिसे पर्यावरण को प्रभावित किए बिना अवतरित उपयोग में लाया जा सके। हमारे ग्रह में प्रदूषण से उभरने की एक प्राकृतिक क्षमता है, जिसका अर्थ है जब तक प्रदूषण स्तर उस क्षमता से परे ना जाए उसे हरित कहा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए NCR परिवहन निगम ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर देश के पहले रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करना है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा संचालित RRTS NCR में परिगमन के ग्रीन मोड के रूप में काम करेगा। RRTS के परिचालन में हरित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।